एसएसपी ऑफिस में वकीलों का जमकर हंगामा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर थाना उजोला क्षेत्र की मंडी समिति पुलिस चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर मोहित काजला पर एक अधिवक्ता व उनके परिजन के साथ मारपीट व अभद्रता करने का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग कर प्रदर्शन किया है। पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं की शिकायत सुनकर फिलहाल आरोपी चौकी इंचार्ज मोहित काजला को पूरे प्रकरण की जांच चलने तक चौकी से हटा दिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अब मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि दीपावली की रात मजोला थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया था। हादसे में घायल प्रशांत यादव का कुछ लोग जबरन उठाकर दूसरे क्षेत्र की मंडी समिति पुलिस ले गए थे। वहां मौजूद चौकी इंचार्ज मंडी समिति मोहित काजला ने अधिवक्ता के परिजन के साथ अभद्रता व मारपीट की। इसकी जानकारी मिलने पर जब विकास सिंह यादव अधिवक्ता वहां पहुंचे तो चौकी इंचार्ज ने उसके साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया और अभद्रता करने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर ने आरोपी चौकी इंचार्ज मोहित काजला को जांच चलने तक चौकी से हटा दिया है। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की रिपोर्ट। मंडी समिति के चौकी इंचार्ज मैं उनके खिलाफ दरोगा जी मेरे अधिवक्ता ने शिकायत दी उस पर उन्होंने जितेंद्र चौहान ऐसा था कि मैं गाड़ी से निकल के जा रहा था, मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मैं बीच में रुक गया। मैंने देखा भाई क्या बात हो गई, तो मैंने उसको रोका। मैंने भाई एक काम करो, ज़्यादा चोट नहीं है, कोई बात नहीं, ख़त्म करो मामले को। इतने में मैं इंतजार करता रहा, इतने में चार पाँच लड़के आए एक कार से और दो मोटरसाइकिल से और सब ने उठ के ना धबा धब डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मैं तो पीछे देख रहा, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आई है, सारी फुटेज मैंने यहाँ पर अवगत करा दी है जिन लोगों को, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा कोई भी बीच में इन्वॉल्व नहीं था, ना मैंने किसी को मारा ना मेरा पीटा, लेकिन मैं इसमें जबरदस्ती बीच में खींचा गया और जबरदस्ती मुझे मारा गया। फिर मुझे मंडी से भी चौकी ले गए, चौकी में ले जाके उठा के पटक के मारा था, डंडे मारे हैं, मेरे सर पर मारे हैं। असल में चौकी में कोई नहीं था, यह मोहित कालजा बाद में आए थे, इनके सामने इन्होंने खुद मिलकर भाग पिटवाया है, बोले मारो इनको। हम बात थाने गए, मेरी गाड़ी उठा के ले गए थे कार, ठीक है, और गाड़ी में शराब का पाउच रखा। उसके बाद मुझे ये भी बताया गया कि लो साहब तुम ये गाड़ी, मतलब वो वीडियो बनाया गया उसमें ये दिखाया गया कि गाड़ी में दारू पी जा रही थी। मुझे मारा है वहाँ पर, जो चौकी में जो और लोग थे जो आए थे इनके सपोर्टर में, उन्होंने सबने मिलकर मारा था। बाद में ये मोहित कालजा भी आए थे, इन्होंने भी मुझ पर धमकी दी, उन्होंने खुद मरवाया भाई वहाँ पर। जी हाँ, मेरी सोने की चैन, अंगूठी और मेरी घड़ी तो मेरे पास मिल गई थी बहुत जबरदस्ती, ठीक है, फ़ोन नहीं मिला मेरा अभी तक, नोकिया नो जो J7 नेक्स्ट। बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी जबरदस्त तरीके से ना मेरे भी तक चैन मिली है। मैं बार बार कहते परेशान हूँ, नहीं मिल पा रहा मेरे कोई सामान, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ। इनकी वाइफ को गालियाँ बकी हैं, मेरे घर वाले तक को गाली बकी गई हैं। जी ऐसे साल से मिलने आए थे, आप देखते हैं जैसे भी आसपास से मिलता है, ठीक है, देखते हैं। मेरा नाम प्रशांत यादव है और मैं दीपावली के रात को अपने बेटे की दवाई लेके आ रहा था, तो एक शराबी रस्ते पे खड़ा होकर वो देख रहा था कोई मोटरसाइकिल आए नहीं आए। जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल पास आई, उनने मेरी मोटरसाइकिल के आगे एकदम मोटरसाइकिल कर दी, जिसकी वजह से मैं गिरा और उस वो ड्रामा करने लगा। उसी बीच में उसने 15-20 लड़के बुला के और कह रहे हैं हमारी, इसी बीच में ये भाई साहब आए, हाँ, मेरे सामने की बात तो इन्होंने बीच बचा वो उसकी बात करी कुछ, तो उसने ये धमकी दी कि रुको अभी तो बताता हूँ, और 15-20 लड़के आए, उन्होंने हमें बुरी तरह मारा
और मार के गाड़ी में घेर के और क्या नाम है फिर उसी बीच में एक किलोमीटर पहले एक ट्रक खड़ा था, उन्होंने उस ट्रक वाले को भी मारा। और फिर हमें हमारी चौकी लगती है काशीराम और हमें मंडी चौकी लेके गए। वहाँ मंडी चौकी में ले आके हमें क्या नाम है सिपाही थे, सिपाहियों के सामने 20-25 लड़कों ने मारा। हमने सिपाही से कहा कि क्या नाम है आपके सामने ये हो रहा है, उन्होंने हमारा फ़ोन छीना, मेरा फ़ोन छीना और हैं आम आदमियों ने और सिपाही ने कुछ नहीं कहा, चौकी के अंदर छीना। और ये भाई साहब जो थे हमारे साथ, इनका घड़ी छीनी, चैन छीनी और फाइबर के बैंस से हमें मारा वहाँ और कुर्सी पे बैठा के नीचे फेंक के मारा बुरी तरह, और पुलिस प्रशासन सब वहीं था। फिर क्या नाम है चौकी इंचार्ज साहब आते हैं, मुझे मारते हैं, मैंने अपने वकील साहब को बुलवाया तो मेरे वकील साहब को उन्होंने 3-4 रैपट मारे। और मेरे फादर सब इंस्पेक्टर रिटायर हैं, उनसे पापा ने कहा कि मैं ऐसे सब इंस्पेक्टर हूँ, रिटायर हूँ, उन्होंने कहा होगा सब इंस्पेक्टर, हट भोसले के आगे से ऐसे गाली दी उसने गाली दी। फिर हमारे बहनोई को उसने 3-4 रैपट मारे, रैपट मारने के बाद क्या नाम है मेरा और दोनों का करके अंदर गाड़ी में डाला और हमें गाड़ी में अंदर दबाव बना रहा कि तुमने बहुत गलत लोगों से क्या नाम है पंगा ले लिया है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। और फिर हमें बहुत क्या नाम है गैन पॉइंट पर रख के हमारा फैसला लिखवाया। और जो उनके साथ वाले थे हैं मोहित काजला, ये मंडी समिति दरोगा है, इंचार्ज है चौकी इंचार्ज, और मेरा प्रशांत यादव। अब मेरा नाम अशोक सक्सेना एडवोकेट है और अधिवक्ता के साथ आपको अभी बताया अधिवक्ता जी ने कि उनके थप्पड़ मारे और कोई कार्रवाई नहीं करी मोहित काजला जी ने। मंडी समिति चौकी पे हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने उसे सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा कहना यह है कि मेरे किसी अधिवक्ता के खिलाफ भी कुछ होगा तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। मेरा अधिवक्ता सशक्त है, कमजोर नहीं है किसी से भी, मेरा अधिवक्ता बहुत सशक्त है। हाँ, लिखित में शिकायत दी है, कप्तान साहब ने उसे सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिवक्ता एक ये कुछ सम्मानित अधिवक्ता साथी आए थे जिनके द्वारा एक चौकी इंचार्ज हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उनके साथ अभद्रता की गई है। चौकी इंचार्ज के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, बाकी ये लोग चले गए हैं। अब जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि उस हिसाब से इनके आवेदन पत्र के आधार पर जांच भी होगी और चौकी इंचार्ज के विरुद्ध जो आरोप लगाया जा रहा है उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। अब ये जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा।